इसके पासवर्ड क्या है इसका? किसका? तुम्हारा इसका इसमें पासवर्ड कब से आने लगा? मेरे को नहीं पता। तो पासवर्ड लेता ही नहीं। सेशन एक्सपायर हो गया इसका। पता नहीं तू कहाँ घुसा दिया। अरे तो हटा दो इसे। यहाँ बैठ जा, चलाना थोड़ा थोड़ा ला ला ला। ये पैकेज इंस्टॉल हो गया ना एनटीपी का, अब तुम खोलोगे ईटीसी NTP.conf। अब ये मशीन को हम एनटीपी सर्वर बना रहे हैं, ठीक है? तो ये मशीन भी कहीं से टाइम सिंक्रोनाइज होना चाहिए ना। बाकी क्लाइंट्स तो लेंगे, बाकी क्लाइंट्स तो इससे लेंगे, लेकिन ये मशीन भी तो कहीं से टाइम तो लेगा ना, गेट करेगा। तो ये कहाँ से करेगा? ये इनके लिए एनटीपी सर्वर अमेजन के चार बने हुए हैं, ठीक है? तो ऑलरेडी पहले से हाँ, ये मशीन जो है ये अमेजन के यहाँ से IPU लेंगे, टाइम लेगा यहाँ से। लेकिन बाकी जो आपके क्लाइंट मशीन है वो किससे लेंगे? इस सर्वर से लेंगे। और सर्वर ये लेगा अमेजोन से, ठीक है? यहाँ पे जो क्या है, रिस्ट्रिक्ट किया है कि सिर्फ अपना ये जो टाइम जो डिफाइन है ये एनटीपी सर्वर ना के एनटीपी क्लाइंट रहे, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ अलाउ करेगा अपने लोकल होस्ट के लिए। यहाँ पे डिफाइन है ना 127 का मतलब कि आप खुद के स्वयं लोकल होस्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दूसरे का IP को भी अलाउ करेंगे कि वो भी हमारा एक्सेस कर सके। नंबर भेज दिया व्हाट्सएप पे, कॉन्टेक्ट कर लेगा। रिस्ट्रिक्ट, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर डिफाइन है ना ये रिस्ट्रिक्ट वाला पूरा रेंज। तो अभी हमारा यहाँ का रेंज क्या है, तुम्हारा वो बीवे वाला रेंज सिस्टम का था ना, क्या था? ये वाला है ना, ठीक है? मास्क 255, क्योंकि ये तीनों चेंज हो सकता है, ठीक है ना? इसलिए पे यहाँ मास्क जो जाएगा ये इतना का जाएगा, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाई नॉट रैप, ठीक है ना? नॉट रैप सर, नो ट्रैप। इसका मतलब क्या है सर? देखो यहाँ पे लिख रहा है डिफॉल्ट परमिट टाइम सिंक्रोनाइजेशन विद द विदाउट टाइम सोर्स बट डू नॉट परमिट अ सोर्स टू क्यूरी और मॉडिफाई द सर्विस ऑन द सिस्टम। रिस्ट्रिक्ट के आगे देखो चार वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, डिफॉल्ट, नो मॉडिफाई, नो ट्रैप,
नो पियर या नो क्यूरी, तो हमें यहाँ पे उसको बनाने के लिए, क्लाइंट बनाने के लिए यहाँ पे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, नो ट्रैप डिफाइन करना पड़ेगा। पांचों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन जब नहीं, लेकिन यहाँ पे जो तुम टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्लाइंट के लिए नो ट्रैप लेना पड़ेगा। तो सर ये जो और ऊपर है ये किसके लिए यूज होंगे, इधर टाइम, जैसे सिर्फ कोई क्यूरी करना चाह रहा है, तुम्हारा टाइम देखना चाह रहा है क्या है, उसके लिए इसके लिए ये हो सकता है डिफॉल्ट हो जाए चाहे नो मोडिफाई हो जाए। नो क्यूरी, यहाँ पे नो क्यूरी कर दोगे तो सिस्टम डिनाई हो जाएगा, वो क्यूरी नहीं कर पाएगा। क्यूरी मतलब तुम्हारे सिस्टम का टाइम वो नहीं ले पाएगा। सिस्टम CTL स्टार्ट NTP ठीक है NTPT सिस्टम CTL ठीक है। यहाँ पे रीड कमांड क्या है, UTC है ठीक है, यूनिवर्सल UTC टाइम चल रहा है 2:38 यूनिवर्सल टाइम है ना सर। हाँ, अभी भी एक मशीन कैसे एक्सेस करें, अभी क्या कि वो भी उठा रहा है उसकी टाइम, वो भी ये भी उठा रहा है उसी के टाइम, अमेजोन का ठीक है, नहीं अमेजोन का उठाई टाइम उठा रहा है ठीक है। तो इसके क्या करोगे, इसके NTP.com फाइल जो है ना क्लाइंट के, बैक इंस्टॉल करना पड़ेगा यार इसका। NTP.com फाइल ठीक है, यहाँ पे इसको कर दो कमेंट, तीन चारों कमेंट किया, क्योंकि ये अमेजन से उठा करके हमारा जो हमने जो सर्वर बनाया है उसका टाइम उठाया, सर्वर आई ब्रस्ट ठीक है। ये दो बार इसका करना पड़ता है तब जाके लेता है। अब ये क्या होगा, अब उस सर्वर जो है ना ये तुम्हारा ये सर्वर पे डेट कमांड से चला होगी कमांड, तब UTC दिखा रहा है ना, तो अब जो तुम्हारा वो क्लाइंट मशीन जो है अगर हम यहाँ पे टाइम को चेंज कर देंगे यहाँ पे डेट -S बताओ टाइम चेंज करने का कमांड
टाइम चेंज करना मुझे इसका। क्यों नहीं चल रहे? वेरी सिंपल कमांड के पूछ देगा क्या, बताओ कि एडिट कमांड नहीं चेंज कर पाएंगे? फॉर्मेट है फिर वाई वाई चलो चाहे डी डी चलो तो दस में भी वैसे ही होता है। तो कितना तीन तारीख है ना, कितना टाइम हो गया? जैसे अभी हमारा 2:41 हो रहा था, हम इसको 3:41 कर दे रहे हैं, ठीक है। तीन 41 हो गया ना चेंज सर। तो ये हम सिर्फ डेट चेंज करना, टाइम चेंज करना चाहते हैं, तो डेट को क्या ती हटा तो मत करो, ये तो तुमको बताना चाहिए ना। अब ये 1 घंटा आगे हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो 1 घंटा आ गया नहीं, रिस्टार्ट करना पड़ेगा एनटीपी। फायरवॉल तो वगैरह तो नहीं है ना अटैच है? हम लोग तो चलाते रहते हैं सर फायरवॉल। फायरवॉल ऑन होगा ही नहीं बस। गोल्डू किससे होता है इसमें जी? गोल्डू किससे होता है? इससे होता है।
कुछ सिंबल वो रखा है ना, देखते हैं फोटो रखा है। NTP कितना पोर्ट नंबर होता है? NTP NTP का पोर्ट नंबर इस पे सर्विस नहीं चलता है यार, जहाँ तक मुझे पता है। अमेजन है ना सर, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है? 120 123 होता है। 120 कनेक्ट नहीं हो रहा है। उसको फॉरवर्डिंग में सर्विस सेट कर रहे हैं। सर कोई भी सर्विस अगर लिनक्स में हम चेक करना चाहते हैं कि वो इंस्टॉल है या नहीं है, तो ये फायरवॉल से ही चेक कर सकते हैं ना? कहाँ तुम दाल रोटी सब मिला देते हो एक में ही। आरपीएम कुछ है, फायरवॉल कुछ है, फायरवॉल क्या है बताओ पहले, तो यही बताओ। सर्विस में बोल रहा हूँ, कोई भी सर्विस चेक करना है। पोर्ट के लिए तो हाइफन एफनेड ही था ना। हाँ हाइफन एफनेड हाइफन पोर्ट किसका सर? फायरवॉल में ऐड करने के लिए। यस सर जी।
पकड़ना इसको जोड़ा क्या देखो भाई ये LBM है वो जो नाम दोगे वो हो जाएगा वो कमांड नहीं है LBM है LBM में जो नाम दोगे वही लेगा ना वो जो तुम दे दो फैमिली दो बैकग्राउंड दो जो देने दो संबंध क्या कर रहे थे ये तो पता है ना LSBL के LSBL के तो पढ़ रहे हो ना हाँ पढ़े तो तुम हूँ बोल दिया पर जवाब थोड़े दिया था हाँ पता है बोला था टीएल के लिए होता है सिंगल पोर्ट का क्या सिस्टम चलें अभी हम लोग आए तो सर क्वेश्चन करेंगे और फालतू में फंस कर उसको खोलना जड़ा ये किसी बार कंट्रोल डी करना etcntp.com फाइल खोलना एटीसी के अंदर वी आई क्यों जाएगा खोलने के लिए हाँ वी आई से जाएगा वी इन कर दो ना etcntp.com टैब मारो ना कि तुम भी वही मुन्ना बन गए हो ये है ना तो नीचे हमने ऐड किया तो कहाँ किया था ऐड ये डिस्ट्रिक्ट वाला ऐड किया था ना हमने किसमें है ऐसा तो नहीं है उनका रिमोट लिया है कंट्रोल डी किया था तुमने अभी हाँ सर कंट्रोल डी किया था यही है तो ऊपर वाला कमेंट करना था ये वाला ना सर नहीं ये वाला कॉलम वाला ये ना फिर हाई प्रेस कमेंट करने के लिए क्या करते हैं यार हैस उसके नीचे वाला भी नहीं उसके ऊपर वाला जैसा हो गया ये कुछ ना यहाँ पे जो आईपी डिफाइन करना है ना यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए लोकल आईपी यूजुअली हम यहाँ पे हम लोग ना पब्लिक आईपी डिफाइन करना है तो लोकल कर दीजिए ना तो फिर तुम्हारा अमरनाथ का सिस्टम कैसे सिंपल नहीं होगा क्यों आता जाएगा तो पब्लिक आईपी कर दे ना कनेक्ट उसको तो यस सर लोकल से नहीं आएगा हाँ वो देखना चाह रहा था ना चलो इन केस इसको सेव करो हमने डिफाइन सही किया है ये 13.0 उसका क्या आईपी था यार 13 करके था ना किसका इसका भी वेट था 13 करके था जाना हो तो कौन सा वाला था कितना एम वाला यहाँ दिख जाता नहीं सर इसका पब्लिक 18 से विवेक का है
ये मुन्ना का है यार, यार मेरा ही खोलो प्राइवेट पे जाना विंडो ये है ना 13 हां 13 है सर 13.58 13 लगे 0 ही लगेगा 0 0 0 ठीक है चलो करो का बटन क्या हो गया सेव पर तो करना सेव वो तो गया है बाहर तो आ रहा सेव कहाँ किया ये वाला बटन है हाँ क्या हुआ नहीं तो इस पे कर्सर ला दिया है कर के लिए हाँ अब कर कहाँ कर्सर है तेरा ये रहा ना हाँ कर स्केप करना पड़ेगा ना फिर ये देखो तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ नहीं हटा दी ये लगेगा एक्स्ट्रा दिन में कुछ हटाया तो नहीं ना यार नहीं मैंने कुछ नहीं हटाया पक्का सही है डब्लू सेव करना क्या करना हाँ सेव करना डब्लू करो ये करके हो गया ना एक नंबर अगर को भेज देता हूँ शशि का नंबर मांग रहा था नहीं देना था मेरे सर तो नहीं देना था शशि नहीं लिखा शशि गया हाँ सर बता मैं शिफ्ट कर रहा अब इंटरनेट टाइम चेंज करने के हैं मेरा
एनटीपी नहीं चेंज करने के लिए, देखो हमने 3:42 भी किया था लेकिन अपने आप ही टाइम देखो इसका चेंज हो गया है ना, उससे कोडिंग एनटीपी सर्वर कोडिंग जो अमेजन का है, जो मुन्ना वाला था वहाँ पर क्या है, एक बार वहाँ पर दिखाना एनटीपी सर्वर, ये अमेजन वाला है, यहाँ पे हमने अपना टाइम चेंज भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ये अपने अभी जब चला ये तो अपने आप ये देखो इसी है ना, ये बोला अमेजन वाला तो अपने आप टाइम चेंज हो गया ना, ये अब जो यहाँ पे टाइम होगा वही तो क्लाइंट पे टाइम होगा, देखो ये एनटीपी से उठा रहा हूँ ना, हाँ ये एनटीपी से उठा रहा है, यहाँ पे भी वही टाइम हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है, यही यहाँ पे क्लाइंट पे भी हो रहा है सेम ही चीज, अब और कोई तीसरा मशीन होगा तो उस पर भी यही आएगा जो टाइम यहाँ पे है प्राइमरी वाले पे है उसका किसी अगर ना कर रहा हूँ, हाँ बेसिकली ये पब्लिक है ना, हमें करना चाहिए लोकल में, ये होता है लोकल के लिए। तो सर अगर इसको तो अनकमेंट करना पड़ेगा ना जाके मुझे रियल टाइम के लिए, मेरा रियल टाइम, हाँ वैसे भी उससे उठाएगा ये, ये है कि जो क्लाइंट वाला कह रहे हो ना, क्लाइंट वाला, क्लाइंट वाला में क्या है कि वो खोजेगा उस सर्वर को जो हमने डिफाइन कर रखा है, मतलब विवेक वाला सिस्टम जो है वो खोजेगा मेरे सर्वर, तुम्हारे सर्वर को खोजेगा, अगर वो डाउन मिलेगा तो वहाँ पे फिर वो टाइम वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो अभी सर जो हमारा टाइम चेंज किए हैं आप तो टाइम खराब हो गया, खराब क्या हुआ, जो हमने सर्वर पे भी चेंज किया टाइम मैनुअली जाके है तो उस समय तो चेंज हो गया, लेकिन जैसी सर्विस चली दोबारा अमेजोन से खींच के उसने वही टाइम ला के रख दिया वहाँ पे, तो करप्ट जो मतलब नेचुरल टाइम है वही दिखा, जो नेचुरल टाइम है वही आ गया, वही आ गया ना फिर, वो हमने तो चेंज किया था, वो तो एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए किया था, बाद में जब उसे रिस्टार्ट मारा फिर नेचुरल टाइम ले लिया, वहाँ से एन टी पी बस यही कह सकते हो कि कोई भी पूछे कि सेंट्रलाइज टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, माइनस टू सेंट्रलाइज टाइम, हाँ सेंट्रलाइज टाइम फॉर एग्जाम्पल के लिए उसको यही बताओगे यूनिवर्सल टाइम, हाँ यूनिवर्सल टाइम कि जैसे कि वही रीजन वही बताया मैंने कि एक वेब सर्वर है डेटा वेब सर्वर है ठीक है ना, आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट सर्वर वेब सर्वर पर टाइम है मान के चलो दिन के 1 बज रहा है ठीक है, आज आपको डेटा वेब सर्वर है उस पर रात के 12 बज रहा है तो टाइम इस मैच हो जाएगा ना, आपके क्लाइंट्स पेमेंट किया वो तो कहेगा कि हमने तो पेमेंट किया दिन में, मान के चलो तुम्हारा पेमेंट पेमेंट सर्वर है ठीक है, तो आप अपने सब वो कहेगा कि हमने तो पेमेंट किया दिन के 1 बजे, आपका डेटाबेस सर्वर जो टाइम है वो रात का है, वहाँ पे उसने टाइम वेट कर लिया रात का तो मिसमैच हो गया ना, मिसमैच हो गया उसके अकॉर्डिंग उसके प्लान कुछ और चले गए उस कस्टमर के ठीक है ना, तो उस केस में हमारा ये एनटीपी सर्वर कामयाब होता है ताकि एक ही टाइम जो है हमारे सारे पे की हो, हाँ अच्छा है सर ये तो अच्छा है, हाँ एनटीपी अच्छा चीज है, तो एनटीपी हम लोग क्लाइंट यूज करते हैं, एनटीपी हम अपना भी सर्वर नहीं बनाते समझ गए, एनटीपी तुम अपना कोई भी सर्वर मत बना, एनटीपी जो है वो बाहर का यूज करो, एनटीपी ऐसे बेसिकली एक सर्वर ही है ना, हाँ सर्वर है ठीक है ना, अगर मैं इस क्रोन को सेट करूंगा सर, इस क्रोन को तुम सेट कर दो हर 5 मिनट पे ताकि डेट चेंज भी हो जाए तब भी क्रोन चले अपने आप ही टाइम को सिंक कर दे, तो सर इस पे कुछ आगे और रहेगा तभी तो सिंक करेगा ना, आईपी आईपी डालना पड़ेगा ना सर, ये तो वही तो बताया मैंने एनटीपी सर्वर आईपी,
सर्वर आईपी डालना होगा ना उसका, क्लाइंट का, सर्वर का, ये क्लाइंट पे डालेगा, ये क्लाइंट पे चलेगा कमांड, क्लाइंट के सिस्टम पे चलेगा। हाँ अच्छा, अपने सर्वर पे नहीं चलाएंगे, क्लाइंट पे। ठीक है, क्लाइंट पे चले गई है, ओनली फॉर क्लाइंट। ठीक, लेकिन हम उसमें कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं ना, तो क्रिएट नहीं हो रहा है। df-h चला रहे हैं, उसमें दिखा रहा है 50 GB स्पेस है अभी, लेकिन अगर हम सिंपल टच करके फाइल बना रहे हैं तो फाइल नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, रीजन? रीजन ये है कि हर फाइल सिस्टम के ऊपर जितना स्पेस बनता है, जितना हमने 100 GB का टोटल या 50 GB का, उनके अकॉर्डिंग सिस्टम जो है आपको नंबर ऑफ फाइल्स, मतलब कि नंबर ऑफ आई नोट्स देता है। नंबर ऑफ आई नोट्स का मतलब है कि नंबर ऑफ फाइल्स, इतना आप फाइल सर्वर पे जनरेट कर सकते हो। एक लिमिट होती है उसकी, यहाँ पे चलाओ DFI बनाई। सर क्या था -TUNLP TUNLP TUNLP हैंग हो गया, छोड़ो, सो गया, नहीं कर ले मैंने, रीस्टार्ट कर, इधर आ, छोड़ो, इससे हम बोल ये स्पेस आई, देखो इसमें है नंबर ऑफ आई नोट्स इतना, मतलब कि नंबर ऑफ हम फाइल्स जो है ना इतना बना सकते हैं, इतना बन चुका है और इतना हमारे पास फ्री है। अगर ये आई नोट्स हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो, तो नहीं बन पाएगा, तो हम कोई भी फाइल बना नहीं पाएंगे, चाहे स्पेस कितना ही हो, नहीं आई करेंगे, लिमिट होती है सर इसकी, हाँ, इतनी लिमिट है इसकी फाइल बनाने की। तो बहुत ही ट्रबल शूटिंग में काम आता है, तुम बता सकते हो किसी को, इसको बोलते हैं आई नोट्स। आई नोट्स का मतलब है कि नंबर ऑफ फाइल्स आप इतना बना सकते हो। गोविंद का जब तक रिकॉर्डिंग ना चले चाहे नहीं पड़ेगा, नहीं सर वो स्टार्ट करा था फोटो। चलो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आई नोट्स बोला, ये ट्रबल शूटिंग करना बहुत बड़ी बात है, कभी लाइव में प्रॉब्लम आ जाए तो आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट में आपका दिमाग क्लिक होना चाहिए, आई नोट्स को हम चेक कर लें, बहुत पहले बार इशू आ चुका है, तब से आई नोट्स का अलर्ट लगा के रखते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये नंबर ऑफ फाइल्स, आई नोट्स का अलर्ट लगाना हो तो क्या करना है, यही DFI बनाई करके, वो तो चेक कर लिया, स्क्रिप्ट बना लो, प्रॉब्लम कैसे आता है जैसे हम चेक करें किस कंडीशन में, हाँ? जो प्रॉब्लम आएगा, हाँ, किस तरह का है? मैंने पहले प्रॉब्लम ही तो बताया आपको, तो फाइल बनाएंगे फाइल नहीं बनाएंगे जी, चला लो DFI बनाई फिर कहो मैं चलाएंगे सर्विस, ये वाला ना है अपने इसका, तो पोर्ट नंबर के लिए, हाँ, पोर्ट सर्विस कौन सा सर्विस है, पोर्ट नंबर देखने के लिए सर, ये जो इसकी ये है जो कम लिख रहा है 1-to-1, ये मतलब इसका साइज है रूट नंबर, नहीं नंबर ऑफ फाइल्स है मेन, तुम अपना रूट फाइल सिस्टम देखो ना, ये तुम्हारा स्लैश वाला कितना इसमें अलग है, देखो 41,941,93,216 इतना आप फाइल्स बना सकता है ये मशीन, और इतनी बन गई, इतनी बन चुकी है 15,000 फाइल को आप डिलीट कीजिए, कहाँ अगर जैसे मतलब डिलीट करने तो ये कम यहाँ पे हो जाएगा सर, ये कम ज्यादा हो जाएगी ना, हाँ एक फाइल बना के देखो यहाँ पे साइज कम हो जाएगा,
फिर टच करके बना। यहाँ पर क्या बनाओ, शो करेगा तुम। यह 72 था ना, 71 हो गया फ्री में। सही कह रहे हो, और डिलीट करेंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा है ना। हाँ, अब इसको तुम काम करो, एलएल करो। कोई भी फाइल जनरेट होता है ना, ठीक है, देखो ये जो होता है ना, हाँ इधर दिखाया ना यार, मैं इधर देख रहा हूँ साला। कोई भी जैसे फाइल जनरेट होता है, कोई भी फाइल बनाते हैं उसका आईनोड नंबर होता है, ठीक है ना। अब जैसे ये तूने बनाया, इसका आईनोड नंबर क्या है, ये है, ये आईनोड नंबर होता है, यूनिक होता है, यूनिक होता है। अच्छा हाँ, आईनोड नंबर ही एक बार आप क्या क्या बोल रहे थे, आईनोड नंबर देखो, कुछ नहीं समझ पाया। इसे कुछ ट्रैकिंग लगा सकते हैं तो इसका मतलब आईनोड नंबर जैसे कुछ भी चेंजेस कर दोगे ना इस फाइल में, इसका आईनोड नंबर बदल जाएगा। अच्छा हाँ, पर सर फाइल तो वही रहेगी ना, सेम फाइल वही रहेगी, नेम वही रहेगा, फाइल चेंज हो गया ना, आईनोड नंबर चेंज हो जाएगा इसका। सर फाइल डिलीट कर दें तो फिर हट जाएगा सर, हट जाएगा। ये होता है आईनोड नंबर, मैं इधर दिखा रहा था, मैं साला इधर देख रहा हूँ, यहाँ पाता नहीं वहाँ देख रहा हूँ। ये होता है आईनोड नंबर। कैसे एलबीएम में सब कुछ कर चुके हैं सर, हम लोग रिड्यूस वगैरह सब, बट रिमूव नहीं कर पाए थे। क्या रिमूव? क्या रिमूव? रिमूव नहीं, मूव। सिस्टम में कौन कौन लॉग इन किया था उसको कैसे देखोगे? लॉग से देखोगे ना, कैसे देखोगे लॉग से? कब किया था लॉग इन, कितने देर के लिए किया था लॉग इन, किस लॉग इन? हाँ नहीं होता है, लिखो लास्ट कमांड या कुछ, लाओ लास्ट 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 एल एस्ट किस यूजर से, ठीक है, किस आईपी से लॉगिन किया गया, कितने तारीख को, कब से कब किया गया। जैसे ये है सर, भी लास्ट तीन घंटे, कैसे दिखा रहा था, 12 मिनट, 3 घंटे 12 मिनट दिखा रहा है ना। डब्ल्यू करोगे तो करंट का लॉगिन दिखाएगा, तुम्हारे सिस्टम में कौन कौन अभी लॉगिन किया है। नहीं तो सिर्फ हमारे सिस्टम का दिखाएगा ना, मैं चाह रहा हूँ कि पूरे कंपनी। क्या कंपनी का? जो सर्वर पे काम कर रहे हैं, कौन कौन से? अरे सर्वर पे, ये सर्वर तो ही होता है, इसी सर्वर पर तुम भी काम कर सकते हो, ये भी काम कर सकते हैं, हम भी काम कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ये सर्वर थोड़ी ना किसी के लिए ठप्पा मार के दे दिया गया कि आप इसे मुन्ना ही काम करेगा।
नहीं, जैसे हम आप सर्वर कंट्रोल करते हैं, हम सर्वर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो सर्वर तो पे बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कोई गलत कमांड करके चला गया तो मुझे कैसे पता लगेगा किसने क्या किया, तो मैं यही से चेक करूंगा ना कि अरे भाई तुम बताओ तो कि तुमने लॉग इन किया था ना यहाँ से इस आईपी से, तो बोलेगा हाँ हमने किया था, देखो तुम्हारा दिखा रहा है, तो डिनाई नहीं कर सकता ना। आया समझ में? कोई सर्वर दोबारा हैक किया जिसमें लॉग तो आएगा, तुम्हें तो पता है कि इस आईपी से हमारा सर्वर एक्सेस होना चाहिए, अब किसी दूसरे आईपी से एक्सेस नहीं हो गया है, तुम्हें पता लगा ना कि हो गया है, तो इसमें इतना आईपी क्यों दिखा रहा सर? इतना आईपी से एक्सेस हुआ है, ये घर से भी किए होंगे, ऑफिस से भी किए होंगे, यानी कि आज हमारे यहाँ से भी किए होंगे, हैं? शुरू से दिखा रहा सर टोटल जी, जब से लॉग इन सिस्टम बना होगा ना, क्या करना चाहते और ये देखो ये कहाँ से आता है ये भी बता दो सर, इस टाइम के दिखा रहा है 2021 इसको टाइम है। अच्छा ये कहाँ से आता है ये भी जानो, 43 मिनट ये कहीं पे भी रखता होगा ना इन्फॉर्मेशन, तभी तो दिखा रहा है ना तुम्हारे को, ये रखता है वेयर लॉग डब्लू टी एम पी, एड करो टी वेयर लॉग, क्या चला रहा है मांग छोटा रहा है, तो वो ये नहीं पता कि वेयर का मतलब बोलने का मतलब स्लैश वेयर होना चाहिए। हेलो डब्ल्यू टी एम पी, डब्ल्यू टी एम पी टैप मारो ना, टैप क्यों नहीं मार रहे हो, करो इंटर करो सर। डब्ल्यू टी एम पी का मतलब क्या हो, मतलब ये फाइल है डब्ल्यू टी एम पी। अच्छा इनक्रिप्टेड होता है क्या? हाँ, तो उसमें ये वैल्यू रखता है, अगर इस फाइल को कोई ब्लैंक कर दे तो फिर वहाँ आना बंद हो जाएगा। हाँ हैकर क्या करेगा, तुम्हारी इस फाइल को ब्लैंक कर देगा, फिर घुस जाएगा, नहीं कर उड़के उस फाइल को ब्लैंक कर दिया, खत्म खत्म हो गया ना हिस्ट्री, अब लॉग इन किया था क्या किया था, सारे लोग खत्म, सारे लोग खत्म हो जाएंगे, ये याद रखना, जल्दी कोई बताता नहीं है, याद रखना वेयर लॉग डब्ल्यू टी एम पी में, मतलब यूजर लॉगिन का जितना इन्फॉर्मेशन होता है वो इसी फाइल में होता है। वायर लॉग स्लैश डब्ल्यू टी एम पी, कभी इधर से लिखता है कभी इधर से लिखता है, इधर से इधर सर, ठीक है ये हो गया। एक टाइप तो सर हिस्ट्री होगी, यूजर लॉग इन हिस्ट्री डेटाबेस, आज कुछ खास कुछ करो। हाँ वही करता है, यहाँ से काट के यहाँ मिला देगा, यहाँ से काट के यहाँ मिला देगा, बाद में अगर 10 दिन बाद ये भी कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा कहाँ से तीर आ रहा है दिखना सर। चलो ये आ गया ना समझ में, ठीक है सर, इसे पूरे को मतलब वो ब्लैंक कर देगा जो ये, अरे कैट डेव नल कर दो, कोई और किसी फाइल को नल करना हो कैसे करोगे, तो एक लॉग फाइल है बहुत बड़ा बन गया जो स्पेस ले रहा है सिस्टम पे, अब सिस्टम तुम्हारा डाउन हो गया, नहीं चल रहा सर्विस, कोई भी सर्विस नहीं चल रहा, क्या करोगे, नहीं बता, उस लॉग फाइल को नल करना हो तो कैसे नल करोगे, नहीं बता, डिलीट करना तो जानते हैं, नल कैसे करोगे, डिलीट कैसे करोगे, डिलीट कर दोगे तो फिर लॉग आधा पता नहीं हो जाएगा। कैट स्लैश डेव स्लैश नल, डेव स्लैश नल स्पेस, इसको ग्रेटर देन करो, भाई कौन सा है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन स्पेस, अब जैसे तुम इसी फाइल को कर दो तो वहाँ ब्लैंक हो जाएगा, स्लैश वेयर लॉग WTMP, इसको इस ये फाइल होता है जीरो, ठीक है, इसमें ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल होता है, तो ये इस फाइल ये ब्लैंक फाइल को किसी पर राइट कर दोगे तो वो फाइल खत्म हो जाएगी, तो ये मार देंगे तो ये फाइल खत्म हो जाएगी, जब तुम लास्ट कमांड चलाए हो ना तो सब ब्लैंक हो जाएगा, इस तरह तो हम बहुत कुछ इससे ब्लैंक कर सकते हैं। हाँ कोई भी बड़ा फाइल है ना उसके सिर्फ ब्लैंक करते हैं।
लाइव सर्वर। जैसे सर अभी हम लोग बोले थे ना कि इनका की जनरेट इतना ज्यादा हो गया है, उससे भी ब्लैंक हाँ, उससे ब्लैंक हो जाएगा पूरा। हो गया ये, हो गया सर, कुछ और रहने दो ये और। चलो आप अकेले हैं सर? नहीं, चलो ठीक है, रहने दो, मेरे को भी काम है, दरवाजा सही कराना है, ठीक है, रहने